हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पिज्जे की रेसिपी। इसको हम घर पर ही बनाएंगे, तो चलिए फ्रेंड्स ये बिना ओवन के बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पिज्जा बेस ले लिया है। सबसे पहले हम इस पर केचप लगाएंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इस पे हम पिज्जा टॉपिंग लगाएंगे। ये मैंने टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज को बारीक बारीक कट कर लिए हैं। इन सबको मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च ऐड करेंगे। ये नमक, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके पास स्वीट कॉर्न हो तो आप स्वीट कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं और छोटे छोटे पनीर के पीसेस भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम अपना मसाला डालेंगे, इसको अच्छे से लगाएंगे। ये मैंने पिज्जा चीज ले लिया है, इसको हम ये कद्दूकस की हेल्प से इसके ऊपर करेंगे। चीज की क्वांटिटी भी आप अपने अकॉर्डिंग ही ऐड करेंगे। किसी को पिज्जे के ऊपर चीज ज्यादा पसंद होता है और किसी को थोड़ा कम। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये नॉन स्टिक फ्राई पैन ले लिया है और गैस पर रखेंगे और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। इसमें हल्का हल्का घी लगाते हुए फ्राई पैन में घी अच्छे से फैला देंगे चारों तरफ और इसको गर्म रखेंगे। अब इसको हम अपने पैन में रखते हैं और गैस को बिल्कुल स्लो पे कर देंगे और इसको ढककर रख देंगे। इसको फ्रेंड रखे हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इस पर हम ऑर्गेनिक और चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ओके, बाय फ्रेंड्स।